पानीपत में मंदिरों में हवन किया गया। लोगों ने भारत की जीत के लिए दुआएं की। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। किसके साथ मैच है आज इंडिया का? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ। लगता है आपको कि इंडिया हरा देगा? यस। कौन अच्छा खेलेगा आज? इंडिया। जो ये प्रतियोगिता हुई है उसमें हमारा इंडिया ही जीत का दावेदार है। पूरे मैचों में, हर मैच में, हर टीम को, पूरी पूरी की पूरी टीम को अच्छी तरह हराया है। इस टीम का जो दावेदार है वो हमारा वर्ल्ड कप का इंडिया ही है। हमारी सीरीज जीत रहा है पूरे, तो हमारी शुभकामनाएं प्लेयर्स के साथ हैं। तो हम भगवान से भी प्रेयर कर रहे हैं। आज हवन यज्ञ भी इसीलिए हुआ कि मतलब इंडिया जीते, और हमारी पूरी वो इच्छा है कि जीते, और जीतेगा ही। लेकिन टॉस जीतना ज़्यादा वो डिपेंड करता है। इस पर हमें बड़े खुश है कि टॉस जीत जाए, क्योंकि टॉस जीत गया तो अपने मनपसंद बैटिंग कर सकता है, नहीं तो चेस करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट। और अब देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर 2003 की हार का बदला ले और वर्ल्ड कप जीत जाए, इसके लिए बच्चे भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इधर करनाल में क्रिकेट ग्राउंड पर तैयारी करने वाले बाल क्रिकेट खिलाड़ियों का कहना है कि जैसे भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को मात दी, वैसे ही भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दी। बच्चों ने भारत की जीत के लिए गायत्री मंत्र का पाठ किया, देश की जीत के लिए प्रार्थनाएं करके सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। तमाम बच्चे जो हैं यहाँ पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो पूरे हरियाणा वासी जिनकी नजरें जो हैं वो इस मैच पर टिकी हैं, और अब बच्चों ने टीम इंडिया की जीत के नारे लगाए हैं। देखिए किस प्रकार से ये तमाम बच्चे जिनके चेहरों पर उत्साह आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि इन्हें पूरा विश्वास है कि भारत जीतेगा।